आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। राजपूताना रेजिमेंट के जवान सचिन शर्मा की शहादत को 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी हरियाणा की खट्टर सरकार की तरफ से सचिन के परिवार को किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। ना ही सचिन को शहीद का दर्जा मिला और ना ही उनके परिवार को किसी तरह की कोई आर्थिक मदद। इसी बात से नाराज अखिल भारतीय ब्राह्मण समा ने आज प्रेस वार्ता कर खट्टर सरकार पर शहीदों की शहादत की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनोहर सरकार के पास रैलियां करने का तो वक्त है, लेकिन शहीद के परिवार से मिलने का समय नहीं है। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, हमारी मांग है हरियाणा सरकार से कि हरियाणा सरकार ने आज तक एक बार भी सीएम साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और ना ही शहीद के परिवार की कोई सुध ली है। इवन कोई आश्वासन तक भी सीएम साहब द्वारा शहीद के परिवार को नहीं दिया गया है। शहीद सचिन शर्मा जो बहुत ही छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में हरियाणा में शहीद हुए हैं, हम आज भी उनके घर पर भी गए थे। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं और हरियाणा सरकार ने, जो हमारे सीएम साहब हैं, वो रैलियों में बिजी हैं, बाहर बिजी हैं, लेकिन उनको एक बार भी समय नहीं लगा कि एक बार कम से कम अपने क्षेत्र में जाकर देख कर आए कि उनकी क्या हालत है। वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है और शहीद जो सचिन शर्मा जी हुए हैं, एक बहुत ही छोटी उम्र थी उनकी और देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन सीएम साहब को वहाँ पर अभी हमारी हमारे तरफ की जाना चाहिए था और उनके तरफ जो उनके लिए जो रेमेडी बनती थी उनको वो देनी चाहिए थे। जो भी शहीद होते हैं उनको सरकार पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सब मुहैया करवाती है, लेकिन शहीद सचिन शर्मा को अभी तक आश्वासन भी नहीं दिया गया है। सचिन शर्मा जी को सरकार अपनी तौर से 1 करोड़ रुपया दे और एक सरकारी नौकरी दे और साथ में उसको, उसके परिवार को कोई पेट्रोल पंप या फिर कोई गैस एजेंसी उसको दी जाए, हमारी यही एक डिमांड है। अक भाई अभी तक मिलिट्री डिपार्टमेंट से उनकी रिपोर्ट नहीं आई, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई भी अगर सैनिक, चाहे वो ड्यूटी के दौरान एक मच्छर काटने से भी अगर उसकी डेथ होती है तो उसको शहीद का दर्जा देते हैं। हमारे सचिन को जो ये शहीद का दर्जा ना देकर बीजेपी सरकार ये घिनौना खेल खेल रही है, ये बीजेपी पे आने वाले समय में इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ इसकी पुरजोर निंदा करता है। आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले गोयला खुर्द गांव के जवान सचिन शर्मा की अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान अकस्मात मृत्यु हो गई थी। सचिन शर्मा के अंतिम संस्कार में सरकार के नुमाइंदों ने पहुंचकर बड़े बड़े आश्वासन परिवार को दिए थे, लेकिन अभी तक उनमें से किसी आश्वासन पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब देखना होगा कि ब्राह्मण समाज की ओर से की गई इस प्रेस वार्ता के बाद क्या सरकार की इस मुद्दे पर नींद टूटती है। सत्य खबर के लिए पानीपत से अनिल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।